रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिया हमने, तो आज हमारी वीडियो में नवजोत जी भी आ रहे हैं ना। ठीक है, प्रभजोत भी हमारे साथ ही है। तो हमें वीडियो चाहिए नहीं, वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती है अगर हम अपनी फोटो भी साथ में दिखाएं। अच्छा, आज का जो टॉपिक है, ठीक है, पहले थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसका नाम है SLA, इसको बोलते हैं जी सर्विस लेवल एग्रीमेंट। और ये टर्म आपने बहुत जगह सुनी होगी। अगर आप गूगल पे जाएंगे और आप सिर्फ लिखते हो SLA तो आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या क्या होता है। सर्विस लेवल एग्रीमेंट एक कमिटमेंट होती है सर्विस प्रोवाइडर और क्लाइंट के बीच में। लेकिन हम जो SLA कर रहे हैं दैट इज इन नेटवर्किंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, दोनों में होती है ये। सर्विस लेवल एग्रीमेंट अगर क्लाउड की बात करें तो ये एग्रीमेंट बिटवीन क्लाउड प्रोवाइडर एंड कस्टमर है, जो बताता है कि इंश्योर करता है मिनिमम लेवल ऑफ सर्विस इज मेंटेन। ठीक है जी, लेकिन हम ये सर्विस लेवल एग्रीमेंट इन नेटवर्किंग लगाने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो तीनों चारों की जो डेफिनेशन है वो सेम है कि सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है ना, तो SLA। लेकिन आज जो टॉपिक है हमारा वो थोड़ा सा अलग है इससे। हम जो SLA की बात करने जा रहे हैं वो हम यूज करेंगे मॉनिटरिंग के लिए। हम SLA अपने नेटवर्क की मॉनिटरिंग के लिए करेंगे, क्योंकि अगर मैं मान लो कोई डिजाइन बनाता हूँ, एक चीज बताता हूँ आपको पहले, डिजाइन बनाने से पहले SLA की जरूरत क्यों है। अगर आप एक राउटर यहां पे लगाओ, एक राउटर यहां पे लगाओ, है ना, उसके अंदर कोई केबल लगा दो, चाहे क्रॉस केबल चाहे कोई भी केबल, ठीक है, मतलब आप इसके ऊपर कोई ना कोई आईपी दे दोगे, आईपी देने के बाद जो भी आपका लिंक है उसको ऑन कर दोगे। ये तो मैं वैसे ऑन कर रहा हूं, अपने कभी भी यूज नहीं करना, ये ऑन वाला कर दिया तो ये लिंक ग्रीन हो जाते हैं। मान लो इस, अब एक जगह पे और भी है, एक डिजाइन मैंने ऐसे बनाया, लिंक ग्रीन कर देता हूं पहले ही। अच्छा, अभी बूटिंग हो रही है। मान लो मेरा F0/0 का लिंक ऑन है, इधर से भी इधर से भी मेरा लिंक ऑन है। ऑन का मतलब क्या होता है, नो शटडाउन है, समझ रहे हो कि मेरा लिंक नो शटडाउन है। लेकिन अब मैंने लगाया हुआ है बीच में स्विच, ठीक है, ये ग्रीन हो जाएगा। अब डायरेक्ट लिंक का और इनडायरेक्ट, मतलब ऐसे बीच में स्विच लगाने से क्या इफेक्ट पड़ता है मेरे नेटवर्क के ऊपर, ठीक है, ये फर्क पड़ता है कि अगर तो ये F0/0, मतलब जो ऊपर डायरेक्ट राउटर से राउटर लगा है, अगर ये शट डाउन हो जाए तो ऑटोमेटिकली सामने वाले को पता लग जाएगा कि आपका लिंक जो है वो डाउन हो चुका है। लेकिन अगर यहां पे F0/0 शट डाउन हो जाए स्विच वाले केस में, तो इधर से तो ये क्या हो गया, ऑफ हो गया, लेकिन इस वाली साइड पे तो पता नहीं है। और अगर आप यहां पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ लगाते हो, ये तो आप बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आया, काम तो इसका भी वही है, इधर 10.0.1 10.0.2 इधर आपका आ गया, है जी, ऊपर वाले में भी लगा देते हैं जी, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, स्टेटस अप है लेकिन प्रोटोकॉल क्या है, डाउन है। लिंक मेरी तरफ का मतलब स्टेटस अप है लेकिन प्रोटोकॉल डाउन है। लेकिन इस वाले केस में ये पता क्या शो कर रहा है कि मेरा लिंक भी अप है, प्रोटोकॉल भी अप है। तो अगर बाय चांस बड़ा नेटवर्क हो, आपको यहाँ पे टी शूट करने में दिक्कत आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, मान लो मैंने ही नेटवर्क बना दिया और ऐसे बीच में स्विच लगा दिया, आपको तो ये लगेगा ना कि सामने, अभी मैं एक आईपी ले लेता हूं, मान लो इस F0/0 पे आपका कोई आईपी चल रहा है 10.0.0.1, वो शट है वो, और आप उसमें जाके देख रहे हो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में कि भाई मेरा आईपी अप है, मेरा प्रोटोकॉल भी अप है, और राउटिंग टेबल में रूट क्यों नहीं आ रहा,
इसमें अगर आपने आईपी दे दिया तो आपको डाउन प्रोटोकॉल से पता चल जाएगा कि सामने वाले राउटर में दिक्कत है। अब ऐसी कंडीशन अगर पैदा हो जाए तो वहां पे हमारा एक टॉपिक काम में आता है, एसएलए मॉनिटरिंग। ठीक है जी, एसएलए मॉनिटरिंग हम लगाते हैं अपने नेटवर्क के अंदर, अपने स्विच और राउटर के अंदर, कि अगर बाय चांस ये डाउन हो तो मेरा इधर से एक मैसेज इसको चला जाए कि मेरा लिंक डाउन हो चुका है स्विच एनवायरनमेंट के अंदर। कॉन्सेप्ट समझ में आया? यहाँ पे तो डायरेक्टली पता चल जाएगा और आप टी शूट इजीली कर दोगे, सर लिंक ही बंद है ना। तो मैं इस चीज को करना चाहता हूँ, इसको मैं करना चाहता हूँ जीएनएस के ऊपर। राजेश्वर कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको पहले? यस सर। कॉन्सेप्ट क्यों मैं लगाने जा रहा हूँ आज का टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले टाइम पे और भी चीजें आती हैं इसमें। तो मैं 1 2 3 4 जितने राउटर लगाने हैं लगा लेता हूँ, मैं ऐसे डिजाइन बना देता हूँ। तो ये मैं सीरियल भी लगा देता हूँ यहाँ पे, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ डिजाइन। अच्छा यहाँ पे तो फास्ट ही लगेगी, ये देखो लग गई, यहाँ पे फास्ट लगी, यहाँ पे सीरियल लगी। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये क्योंकि देखो अगर सीरियल वाला लिंक डाउन होगा R2 को इमीडिएटली पता लग जाएगा, ठीक है जी। लेकिन अगर मेरा फास्ट इथरनेट इधर से डाउन हो गया तो R1 को पता नहीं चलेगा। इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम पंगे ले रहे हैं ये। तो आप आईपी की रेंज ले सकते हो यहाँ पे 10.0.0.1, ठीक है। ओ इस वीडियो को लाइक करें, लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। करके अच्छा ये छोड़ो, इसे इतनी ज्यादा हमारे पास कंजूसी नहीं है, हम ऐसे कर लेंगे। 10.0.0.2 ले लिए यहाँ पे और यहाँ 20.0.0.1 ले लेंगे, सॉरी, और इधर ले लेंगे 20.0.0.2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर लूप बैक वगैरह लगानी है तो मैं लूप बैक भी इधर लगा सकता हूँ। तो पहले इसको ऑन करते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन, अब ऑनलाइन मीटिंग में मुझे R1 से R3 तक पिंग करना है, स्टैटिक राउटिंग कहाँ पे होगी? राजेश्वर जी? यस सर। मुझे R1 से R3 तक पिंग करना है, स्टैटिक राउटिंग करना चाहता हूँ, कहाँ कहाँ पे होगी? सर R1 पे होगी सर। अच्छा R2 पे? नहीं सर वो डायरेक्ट है ना। R3 पे? R3 पे होगी सर, अगर R1 जाना है तो। हाँ R1 पे जाना है मुझे, R1 ने R3 पे जाना है तो R3 से पैकेट वापस भी तो लेके आना है। हाँ जी सर। सर राउटर 1 और राउटर 3 पे लगाओ क्योंकि इनडायरेक्ट है, राउटर 2 पे लगाओगे नहीं वो डायरेक्ट है। वेरी गुड, चलो अच्छी बात है, आज लग रहा है कि यहाँ कॉन्फिडेंस से आंसर दिया है, ठीक है ना, ऐसी चाहिए आंसर। या तो तू सामने आके थोड़ा सा दिक्कत में आ जाता है, ऑनलाइन में तो आंसर तगड़े तगड़े आते हैं, बड़ी बड़ी फास्ट हेलमेट नहीं काफी अच्छे से आंसर देते। क्या कहता क्या कहता? कहते हेलमेट डाल के आया करो। इसलिए ये क्लास में नहीं आया, इसलिए ऑनलाइन लगा रहा है। चलो कोई नहीं, छोड़ो, करेंगे बात बाद में करेंगे, क्या कह सकते हैं इसे। चला गया ये, चला गया मतलब चला गया ये बैक टू बेसिक्स। तो कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस FA0/0 आईपी एड्रेस 10.0.0.1 ये भी कर लेते हैं रिकॉर्ड, कितना टाइम लगेगा इसमें R2 पे। आज हम शुरू से लेके एंड तक सारा रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। नहीं प्रैक्टिकल, अभी टी शूट पढ़े हैं, खत्म नहीं हुई है ट्रेनिंग आपकी। हाँ ये वाली, अभी आपके डाउट्स इतने निकल के आएंगे कि कम से कम मुझे 10-15 दिन और लगाने पड़ जाएंगे, मुझे पता है फरवरी एंड तक। बिल्कुल बिल्कुल,
बाकी 21 तारीख को एक फ्रेशर बैच स्टार्ट हो रहा है 4:30 बजे, ठीक है। तो आप वैसे अगर आपने उसमें भी बेसिक्स क्लियर करने हैं, एनपी या सीजीएनए, एनए एनपी दोनों हो रहे हैं सर। एनपी शुरू हो रहा है कल शाम को 6 बजे, अच्छा सर, उसे, और एनए शुरू हो रहा है मंडे, ठीक है सर, कर मिलते हैं 6 बजे। बिल्कुल जी बिल्कुल, 6 बजे नहीं, 4 बजे, 4:30। कल तो नहीं, कल वैसे तो अभी तो 4:30 आओ इस हफ्ता, अभी कहाँ चले गए आप, अभी आप जा रहे हो, अभी कहीं नहीं जा रहे आप। मुझे आपसे टी शूट करवाने और क्लास में आने वाले टी शूट करने, ऑनलाइन वालों की कोई वो नहीं है ऑनलाइन में। और आज गौरव ने क्यों नहीं ज्वाइन किया, ग्रुप में मैसेज कर दो कि आज क्लास में कोई क्यों नहीं आया। चलो एसएलए का टॉपिक था, इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अच्छा ये R1, R2, R3 हो गया, आईपी एड्रेसिंग होगी है। अब मान लो R1 ने पिंग करना है R3 तक, तो मैं एक रूट दे देता हूँ, आईपी रूट 20.0.0.0.255.255.255.252, और इसके साथ दे देता हूँ मैं FA0/0, ये देख लो F0/0 मैं अपने एग्जिट इंटरफेस के साथ दे रहा हूँ, ठीक है जी। और R2 के अंदर कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा R3 के अंदर चलते हैं, आईपी रूट 10.0.0.255.255.255.252 और सीरियल 1/0। तो जब आप शो आईपी रूट लगाएंगे, सॉरी डू शो आईपी रूट लगाएंगे, तो आपको एक रूट एस से दिखाई देगा, और जब आपने पिंग करना है, डायरेक्ट पिंग तो हो ही जाएगा 20.0.0.1 से, और अगर आपने 10.0.0.1 से भी पिंग करना है तो पहला पैकेट फेल और उसके बाद वाले पैकेट सक्सेसफुल आने चाहिए। ये दो फेल क्यों हो गए, क्योंकि मैंने जल्दी पिंग कर दिया होगा, क्या पता भी रूट अपडेट हो रहा हो। तो ये आराम से पिंग हो रहा है ये, ठीक है जी। अब ये पिंग हो रहा है, अब मान लीजिए, अब जरा थ्योरी कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान दीजिए। अगर मेरा R2 का F0/0 इंटरफेस डाउन हो जाए, R2 का F0/0 इंटरफेस डाउन हो जाए तो क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? मान लो R2 का इंटरफेस नंबर FA0/0 डाउन हो जाए तो मैंने कर दिया डाउन ये, ठीक है जी। अब मुझे R1 के अंदर मान लो आपने टी शूट करनी है, अभी आपने टी शूट करना है सर, अपडेट मैसेज आएंगे मतलब राउटर्स को भी, वो राउटर बंद हो गया है, इंटरफेस नहीं नहीं अपडेट, वही तो क्वेश्चन था। जब बीच में स्विच लगा है तो R1 को तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। हाँ जी सर, पता नहीं लगेगा, इफेक्ट पड़ेगा। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ चेक करते हैं हम, तो वो कह रहा है कि भाई मेरा लिंक तो अप है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट लगा होता लिंक तो क्या आना था सर, यहाँ पे प्रोटोकॉल क्या जाना था, डाउन हो जाना था, तो हमें पता चल जाना था ओहो यहाँ पे दिक्कत है। अब आप शो रन चेक करो, ठीक है, शो आईपी रूट चेक करो, आपको कहीं पे कोई गलती तो मिलेगी नहीं। तो ऐसी कंडीशन में आप आधा घंटा 1 घंटा करने के बाद चेक करोगे तो पता चल जाएगा आपको, क्योंकि ये लोकेशन कौन सा आपके नजदीक है। तो आप तो अपने राउटर से चेक करोगे कि मेरा लिंक आप पे, सोचोगे तो सही ना। तो R2 पे अगर हाँ चले गए शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, उसमें तो पता ही है कि मेरा लिंक डाउन है, लेकिन क्या मेरे राउटर को कोई अपडेट आई? कोई अपडेट नहीं आई। अब R3 के अंदर देखा जाए शो आईपी रूट में, कोई इंफॉर्मेशन की दिक्कत नहीं है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो R1 और R3 को तो पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। तो अब आप शो आईपी रूट देख सकते हो, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ देख सकते हो। उस चीज को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा टॉपिक करेंगे आज, एसएलए मॉनिटरिंग। एसएलए पुराने टाइम के जो राउटर थे उसमें थोड़ी सी कमांड चेंज होके लगती थी, ठीक है जी, लेकिन एसएलए के अंदर अब जो कमांड लगती है वो मैं बता दूंगा, और हो सकता है आने वाले राउटर पे कमांड थोड़ी अलग है। तो करते हैं पहले इसको ऑन, एक बार ऑन तो कर दें, R2 का जो लिंक डाउन किया हमने उसको एक बार।
सर ऐसे लगी कमांड राउट, किस राउटर पे लगेगी सर? अभी बताता हूँ सर, एक बार नो शट डाउन कर दो, नो शट डाउन करने के बाद मैं बताता हूँ, ठीक है? तो पिंग तो होगी नहीं थी उससे, क्योंकि डाउन था लिंक मेरा, तो पिंग भी बंद होगी होगी, मैंने पहले ही नो शट डाउन कर दिया। एक बार इसको ऑफ करके पिंग चेक करनी थी मुझे R1 से। ठीक है, तो ये फेल्ड ही आएगा, अगर कोई जाके यहां पे ठीक करेगा जाके तो इमीडिएटली थोड़ी देर के अंदर ये अपडेट हो जाएगा। अब हो गया अपडेट, तो यही प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी है कि मुझे पता चल जाए कि यार लिंक वहां पे डाउन हुआ है, वहां पे डाउन हुआ है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, और कुछ नहीं है, बस मुझे SLA क्रिएट करने हैं। तो SLA क्रिएट करने के अंदर हम टॉपिक करेंगे। अब मैं R1 के ऊपर जाने वाला हूँ, ठीक है? पहले यहाँ पे कमांड लगती थी, एक मिनट इसका मैं ट्रांसपेरेंसी बंद कर देता हूँ, ट्रांसपेरेंट विंडो। पहले यहाँ पे कमांड लगती थी IP SLA Monitor 1, जिस टाइम पे मैं करता था ना उसमें कमांड थी, पुराने राउटर्स में कमांड लगती है IP SLA Monitor 1। तो मैं भी ये कर रहा था आज ठीक कि मैं इसको चेंज करूंगा। अब कमांड लगती है IP SLA question mark, एंट्री नंबर डालना होता है यहाँ पे। तो ये कह रहा है IP SLA 1 कर दो क्वेश्चन मार्क, हो गया, मॉनिटर कीवर्ड बंद कर दिया ना, ठीक है? पहले अगर बेस्ट तो आपने पहले किया नहीं, आपके लिए तो नया ही है सीधा, ठीक है? तो आप तो यही याद रखो IP SLA 1, लेकिन मैं साथ में अपने वाला भी ये कर रहा था। अब मुझे इसके अंदर क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो आप क्या चीज यहाँ पे लगाना चाहते हो, ठीक है? पहले यहाँ पे एक कमांड होती थी टाइप वाली कमांड, ये मैं साथ साथ में क्यों बता रहा हूँ, ठीक है? पहले बता देता हूँ, जब ओल्ड राउटर पे कमांड लगाते थे तो कुछ ऐसे लगाते थे IP SLA Monitor 1, ठीक है? उसके बाद में हम देते थे टाइप, देते थे हम एक इको प्रोटोकॉल का। इको प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? पिंग, इको रिक्वेस्ट, और ये, और वो लगता था IP ICMP, ये लगती थी कमांड उसमें पुराने वाले में। इको जिसके साथ भी हमें इको चाहिए, जैसे 10.0.0.2 से चाहिए मुझे, ठीक है? और उसके साथ मैं देता था अपना सोर्स आईपी मेरा है यहाँ पे, सोर्स IP एड्रेस 10.0.0.1, ऐसे लगाते थे कमांड। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि हो सकता है आपके आगे कल को वो आ जाए, पुराना राउटर आ जाए, तो आप कहोगे कि सर ने तो IP SLA 1 से करवाया हुआ है, ठीक है? ये पुराने वाली कमांड है, और इसमें फ्रिक्वेंसी भी आती है कि आप कितने सेकंड की देना चाहते हो। मैंने 5 सेकंड की फ्रीक्वेंसी दी, और जो टाइम आउट होता है वो आपका कितने सेकंड के बाद हो जाए, लेकिन ये मिली सेकंड में होता है, इसलिए मैं 2000 देता हूँ। ये SLA क्रिएट करने की कमांड थी। अब वाले के अंदर कैसे होगी? पहले यहां पे ऐसे थी, ठीक है? अब यहाँ के अंदर हमें चेक करना पड़ेगा सीधा, क्या इको की कमांड है कोई? बिल्कुल नहीं है यहाँ पे कमांड कोई। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ICMP को है, पाथ इको भी हो सकती है, लेकिन अभी ICMP इको यहाँ पे लगती थी पहले IP को प्रोटोकॉल, ICMP को है यहाँ पे। ये कह रहा है पहले होस्ट नेम दो, या फिर दो डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस। डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस क्या है मेरा? 10.0.0.2 स्पेस क्वेश्चन मार्क। अब या तो आप सोर्स इंटरफेस दे दो या सोर्स एड्रेस दे दो आप। अब क्या कह रहा है ये? सोर्स क्या देना चाहते हो, इंटरफेस या आईपी? मैं सोर्स आईपी दे देता हूँ। सोर्स आईपी क्या है मेरा? 10.0.0.1 क्वेश्चन मार्क। कह रहा कि मेरा कमांड डन हो गया। यहाँ पे लिखना पड़ता था टाइप इको प्रोटोकॉल ICMP ICO, इन्होंने इजी कर दिया, सीधा करो ICMP इको कि मैं इको लेना चाहता हूँ 10.0.0.2 से, जिसमें मेरा सोर्स आईपी 10.0.0.1 है, ठीक है? लेकिन अगर आप किसी GNS के पुराने राउटर पे करोगे तो ये कमांड भी रखना, मैं लिख दूंगा ये ओल्ड राउटर्स। हाँ वो तो है, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन मार्क, डिफॉल्ट 60 सेकंड होती है, लेकिन मैं चाहता हूँ 5 सेकंड होता है। फ्रीक्वेंसी बताना एक बार, है क्या बेसिकली? फ्रीक्वेंसी कितनी देर देर के बाद में अपडेट आती रहे। अच्छा 60 सेकंड के अंदर अपडेट आती है ना? यस सर। मुझे जल्दी चाहिए 5 सेकंड में, 60 दो फ्रीक्वेंसी रखूंगा तो मुझे 60 सेकंड के बाद पता चलेगा कि सामने वाला लिंक डाउन हो रखा है,
अपडेट आ जाएगी। अब ये मिली सेकंड के अंदर होता है, मैंने ये 2 सेकंड रख दिया, ठीक है जी। अब ये मैं कर देता हूँ बंद, ठीक है जी। अब ये तो कमांड लगा दी मैंने क्या क्रिएट करने के लिए, डू शो हिस्ट्री, ये वाली कमांड लगाई है जी मैंने। इसको दूसरे नोटपैड पे कर दूं, ये लेटेस्ट कमांड है सर, लेटेस्ट रिकॉर्ड में चल रहा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये जो मैंने आज कमांड लगाई है, ठीक है, नए वाले में, ये थोड़ा पुराने पे जो मैंने ट्राई किया था पुराने वाले में तो उसमें था ये, और ये मैंने अपने कॉपी में भी नोट की हुई है कमांड, इसलिए आपको बता रहा हूं। अब पहले लगता था शेड्यूल करना है कब से कब तक चल जाए, तो उसमें भी ये कमांड ऐसे लगती थी जब हमें शेड्यूल करना होता था, हाउ टू शेड्यूल SLA, उसमें कमांड होती थी IP SLA मॉनिटर SCHEDULE शेड्यूल 1 2 3 नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, स्टार्ट टाइम कितना देना चाहते हैं, कहते आप अभी से लेके लाइफ दे दो उसकी फॉर एवर तक, और ये आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आ जाएगा ये IP SLA, अब मॉनिटर तो लगती नहीं है, 1 question mark, शेड्यूल वाली कमांड भी इसमें लगेगी, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ जाएगा आपका, एक सेकंड, ये मैं इको के अंदर आ गया, सॉरी, IP SLA, यहाँ पे शेड्यूल की एक कमांड होती है, हाँ ये देखो IP SLA शेड्यूल करना है ना मुझे, IP SLA शेड्यूल एंट्री नंबर, सॉरी बाद में डलता है, मैंने पहले डाल दिया, क्वेश्चन मार्क, कितनी लाइफ रखना चाहते हो, उसकी स्टार्ट टाइम कितना रखना चाहते हो, वेन टू स्टार्ट एंट्री, रेकरिंग का मतलब क्या होता है कि बार बार होगा वो, एवरीडे, रेकरिंग का मतलब होता है, जैसे हम नहीं कहते हैं रेकरिंग पेमेंट, महीने के बाद हमेशा आती रहती है, लाइफ कितनी रखनी है उसका, एज आउट कितना रखना है उसका। तो सबसे पहले डाल दो IP SLA शेड्यूल, मैं स्टार्ट टाइम क्या डाल रहा हूं, अभी से स्टार्ट हो जाए, मैं नाउ वर्ड यूज करता हूं, मैं कभी भी टाइम नहीं डालता, मैं नाउ वर्ड यूज कर रहा हूं यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में लाइफ कितनी रखना चाहते हो आप उसकी, मैं पता क्या करता हूँ, फॉर एवर डाल देता हूं, मैंने आज तक कभी भी लाइफ सेकंड्स में नहीं डाली, क्वेश्चन मार्क, अगर एज आउट करना है तो कर लो, मतलब कितनी देर के बाद, हाउ लॉन्ग टू कीप दिस एंट्री, जब इनएक्टिव करना है, मतलब मैं तो चाहता हूं, मैं नहीं करना चाहता कुछ भी इसमें, एज आउट देना ही नहीं चाहता भाई, जब मुझे प्रॉब्लम आए तभी मुझे पता चल जाए, ठीक है जी। तो ये पहले वाली कमांड है, अब नए वाले में कमांड कैसे लगेगी, इसको मैं वो कर लेता हूँ, डू शो हिस्ट्री, वैसे तो उसी से कॉपी हो जाती, ये की कॉपी, मैं दोनों कमांड आपको व्हाट्सएप में भेजूंगा, बताओ जी, इसी में लगानी है, अगर आप एज आउट की कमांड लगाना चाहते हो, एज आउट क्वेश्चन मार्क, हाँ कितने सेकंड में लगानी है, मतलब कितने सेकंड के बाद, जब 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 इनएक्टिव रहेगा वो, मतलब इनएक्टिव अभी कुछ नहीं हुआ, इनएक्टिव होने के कितनी बाद, इनएक्टिव होने के कितनी बाद, कितने सेकंड के बाद वो बंद हो जाए, मतलब जो तक इनएक्टिवेटा सानू अपडेट आ दे रहे हैं, जो तक अपन नहीं लगा, राइट 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 राइट, तो हमें तो यहाँ तक चाहिए अभी फॉर एवर तक, IP SLA शेड्यूल 1 ठीक है। अब एज आउट मतलब क्या होता है, एज आउट का क्या मतलब, कितनी देर के बाद वो बंद हो जाए, एज आउट की, हाउ लॉन्ग टू कीप दिस एंट्री व्हेन इनएक्टिव, आप कितने टाइम तक अपडेट आते रहे, हाँ कितनी देर तक आप इस एंट्री को अपने पास रखना चाहते हो जब तक ये इनएक्टिव नहीं हो जाता, ये पहला अपडेट एंट्री, मैं कोडिंग आपको साथ साथ लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इतनी जल्दी ये याद नहीं होंगी कमांड, ठीक है जी, नहीं अपडेट वाली एंट्रीज जो राउटर वन को आएंगी, हाँ जी हाँ जी, जो बंद होने के बाद आएंगी, ठीक है, अच्छा मतलब इनएक्टिव हो जाएगा सारी उड़ जाएंगी, लेकिन आपको बताता हूँ मैं, शो IP SLA स्टैटिस्टिक्स, इसमें देखो जरा, शो IP SLA स्टैटिस्टिक, अभी तक नंबर ऑफ सक्सेसेस ही आए हैं 21, ठीक है जी, थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपडेट आ रही है ना, 5 सेकंड के बाद 23 24, अच्छा हाँ जी सर आ रही है, 25,
मतलब एजिंग के अंदर अगर हम एज नहीं डालते हम तो ये हमेशा हमारे पास रहेंगी। 2000 मिलीसेकंड दिए बंद होने के बाद बताएगा ना वो। हाँ अब ये समझ में आया पहले शो आईपीएल से ले। देखो मैंने टाइम भी स्टार्ट नहीं किया था यहाँ पे 2002 का चल रहा है सर। जो ये 28 है 27 है ये एजिंग वाली एंट्रीज ही है ना अपडेट वाली। तो नहीं ये वो है जो यहाँ से इको इधर अपनी तरफ एक एंट्री आ रही है हर 2 सेकंड बाद एक एंट्री आ रही है। मैंने अभी डाला नहीं था टाइम आउट 2000 से मिली सेकेंड। दो सेकंड के बाद आ रहा है वो 5 सेकंड वाली एंट्री अभी आएगी थोड़ी देर में। अभी तो ट्रैकिंग लगानी है अभी कथा खत्म नहीं हुआ है ये एसएलए। आप ऐसा मत सोचो कि 2 मिनट के अंदर डन हो जाएगा। अभी एक चीज करके देखो R2 के ऊपर। नहीं नहीं शट डाउन नहीं करना। डीबग आईपी आईसीएमपी ये डीबगिंग ऑन की है मैंने भी। ये देखो ये देख लो पढ़ो पढ़ो कितने सेकंड के बाद आपका 5-5 सेकंड के बाद अपडेट है वो टाइम आउट 2 सेकंड है। ये कह रहा है कि वो इतनी इसलिए जल्दी मैसेज लग रहे थे आपको क्योंकि 5 सेकंड में ये भी भेज रहा है वो भी भेज रहा है वो जल्दी आ रहा था। पहले उसने कितने पे भेजा 23 पे उसके बाद 28 पे उसके बाद 5:33 फ्रीक्वेंसी कितनी देर के बाद ये सोर्स और डेस्टिनेशन पे एंट्री भेज रहा है जो हमने लगाई थी कमांड यहाँ पे IPSLA1 कितनी फ्रीक्वेंसी के बाद आती रहे 5 सेकंड के अंदर। अगर बाय चांस 5 सेकंड में नहीं आई तो 2000 मिलीसेकंड के बाद टाइम आउट भी हो जाएगा। ये अब SLA का मतलब क्या है वो समझो। अब इसने 5 सेकंड में अपडेट भेजनी शुरू कर दी है ICMP की मुझे अपडेट चाहिए। मान लो मैं कह रहा हूँ प्रभजोत की तरफ से हर 5 सेकंड में मैसेज चाहिए मुझे तो 5 सेकंड में व्हाट्सएप चाहिए है ना। अनऑल राजेश्वर पता चला अभी क्या किया हमने ये। हाँ बस वे एजिंग वाला थोड़ा अटक रहा है। एजिंग वाला ये वाला कितनी yes, sir. आप एंट्री रखना चाहते हो अभी मैं हटाना ही नहीं चाहता वो। इतनी देर तक आप इस एंट्री को रखना चाहते हो अपने पास फॉरएवर वाली एंट्री। अरे यार ये वाली एंट्रीज हैं जो आ रही हैं यहाँ पे अभी। अच्छा। अभी हमने बात ही नहीं की मैंने तो वैसे एजिंग करवाया नहीं आप ऑप्शंस तो आ रही हैं सर एजिंग की। अभी अभी क्यों कंफ्यूज हो रहे हो आप आधे वाले टॉपिक पहले पूरे कर लो ना ये मैं करवाता हूँ अभी। ठीक है ठीक है ना पहले ये बताओ जितना बताया उतना समझ में आया आपको। हाँ वैसे समझ आया भी लाइफ फॉरएवर है स्टार्ट टाइम नो उसका एजिंग में अटका बस जाके। अच्छा तो पहले एजिंग वाला करें दोबारा। हाँ मतलब लगा के दिखा दे होता क्या मतलब फॉरएवर क्वेश्चन मार्क लगा के। हाँ स्टार्ट मैंने अब किया जो एज आउट में जाके मैंने मान लो डाल दिया सेकंड में 5 सेकंड डाल देता हूं 6 सेकंड क्या कह रहा अभी आप मॉडिफाई शेड्यूल स्टार्टेड है सुनो अब इस चीज को आप इस मॉडिफाई को शेड्यूल नहीं कर सकते। मैं क्या कह रहा हूं जब आपका वो बंद हो जाएगा। बंद का मतलब क्या होता है सर इनएक्टिव हो जाएगा वो उधर से। ठीक है अभी मैंने बंद नहीं किया है वो अभी वहां पे एंट्री चल रही है। जब वो बंद हो जाएगा बंद होने के बाद कितनी देर तक आप यार एंट्री रखना चाहते हो उसमें। अच्छा समझ आ गया मान लो सामने वाला मेरा बंद कर दिया हमने इनएक्टिव हो गया जो एंट्री आई हुई थी अपडेट वाली रखना कितनी देर तक हाउ लॉन्ग टू कीप दिस एंट्री 6 सेकंड रखना चाहते हो 10 सेकंड अपने पास रखना चाहते हो 15 सेकंड रखना चाहते हो मैं रखना ही नहीं चाहता मुझे तो मेन मेरे टॉपिक से मतलब है ना। ठीक है वीडियो लंबी हो रही है आपकी सही चल रही थी पहले ठीक है जी डन है राजेश्वर करें स्टार्ट आगे। यस सर ठीक है जी। अच्छा अब मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें अब मुझे ट्रैकिंग भी करनी पड़ेगी जिसमें। ठीक है तो यहां पे मैं एक चीज करने जा रहा हूं R1 के अंदर ट्रैक अभी
कंफ्यूज मत हो जाना कि IPSLA 1 है, तो मैं ट्रैक कोई और नंबर ले लेता हूँ। यहाँ पे ट्रैकिंग का नंबर ले लिया मैंने 2, IPSLA ये कह रहा है ट्रैक 2, IPSLA इसने कमांड दी नहीं सीधी, रूट डाल दिया। अच्छा ये कह रहा है सीधा रूट, अच्छा पहले तो मुझे एक चीज करनी पड़ेगी, यहाँ पे पहले मुझे आईपी रूट देना पड़ेगा 20.0.0.0 के लिए, इसके अंदर ट्रैक की कमांड, इसके अंदर हमारी मैंने कुछ मिस कर दिया, मैंने ट्रैक लगा दिया है, ठीक है जी। ट्रैक का मतलब है कि कितनी देर इसकी ट्रैकिंग चले, ट्रैक 2 आईपी रूट जो भी हमने दिया है ये 20.0.0.0 इसमें ये कमांड ऐसे आ रही है, इसमें मैट्रिक का नया ऑप्शन आ रहा है, लेकिन पहले वाली कमांड में क्या आ रहा था, ये सीधा राउटर वन आता है यार यहाँ पे कमांड, ट्रैक टू राउटर वन कमांड देने के बाद बस, ठीक है। लो जी ये मैंने गलत डाल दी थी कमांड, मुझे लगा पुराने वाली में ज्यादा होगा। अब इस चीज को समझो कि ये जो पहले मैंने कमांड ये गलत है, मैंने एक रूट दे दिया उसके साथ डाल दिया ट्रैक टू, अब मुझे ट्रैक टू राउटर वन मतलब मैं राउटर वन को ट्रैक कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, जो पहले कमांड लगाई थी यहां पे इससे पहले, वहां पे मैंने अपने आईपी रूट के साथ एक ट्रैक डाल दिया, ट्रैक का काम क्या किया मैंने कि ट्रैक टू राउटर वन के लिए चले, मतलब जो भी एसएलए मैंने लगाया हुआ है वो इसको ट्रैक करता रहे आर वन। ट्रैकिंग का मतलब है कि अगर मेरी ट्रैकिंग होती रही तभी मुझे पता चलेगा ना कि अपडेट्स आती है, क्योंकि आर टू के ऊपर तो अपडेट्स आ रही है। पहले इसकी कमांड, पहले इसमें क्या करना पड़ता था, इसमें पुराना रूट हटाना पड़ता था, लेकिन मैं दोबारा लगा के देख लेता हूं। अब आर वन के अंदर चलते हैं, शो ट्रैक, क्या ट्रैक चल रहा है कुछ। रिस्पॉन्स टाइम रिपोर्टर वन स्टेट इज अप, वन चेंज लास्ट चेंज, दिस इज ट्रैक्ड बाय स्टैटिक आईपी राउटिंग 0। अच्छा अब चलते हैं, जरा अपना बंद करते हैं काम छाम। मुझे देखना है यहां पे कोई अपडेट्स आती है या नहीं आती है। आर वन पे थोड़ी देर के बाद एक मैसेज आ जाएगा आपके पास, ट्रैकिंग स्टेट टू राउटर वन स्टेट अप एंड डाउन, अप टू डाउन हो चुकी है। अगर ये मैंने ना लगाई होती कमांड, अगर ये वाली कमांड ये मैंने ना लगाई होती तो आपके पास कोई भी ट्रैकिंग का मैसेज यहाँ पे नहीं आना था। फर्क सिर्फ इतना, जो भी काम हमने किया ट्रैकिंग की है या फिर एसएलए लगाया है वो इसलिए लगाया है ताकि आपको पता चल जाए कि सामने वाला राउटर डाउन हो चुका है, अब इनएक्टिव हो चुका है वो। आपने थोड़ी देर पहले एज आउट वाला क्वेश्चन पूछा, आपने राजेश्वर ने भी पूछा था क्वेश्चन, अब वो इनएक्टिव है। अब अगर आप डीबग आईपी आईसीएमपी करोगे यहाँ पे, यहां से तो ऑपरेशन सोर्स और डेस्टिनेशन की जा रही थी, फ्रिक्वेंसी कितनी बताई थी हमने, 5 सेकंड की नहीं बताई थी। अब यहां पे क्या अपडेट आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि ये तो लिंक ही डाउन है, लेकिन आर वन वाले को तो पता चल गया ना कि सामने वाले से भाई पंगा हो रखा है। कौन सा टाइम आउट, ये अपडेट उसका मतलब ये है कि जब जब भी वो डाउन होगा तब तक तक, मतलब फॉरएवर का मतलब ये है कि टाइम, अगर 1 घंटे का टाइम हो गया, फॉरएवर का मतलब है एवरी टाइम जब भी लिंक डाउन होगा एवरी टाइम मुझे मैसेज आएगा इसका। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको दोबारा क्या कर देता हूं, ठीक है जी। अब थोड़ी देर वेट करते हैं, लिंक अप हो चुका है, क्या मेरी ट्रैकिंग सी चल रही है या नहीं चल रही है, मुझे सिर्फ ट्रैकिंग से पता चल जाएगा कि अब मेरी स्टेट अप हो चुकी है। फॉर एवर चल रहा है ये, मतलब कोई इसमें टाइम नहीं है, कभी भी लिंक मेरा दोबारा से, देखो उधर से भी रिको रिप्लाई सेंट होने शुरू हो गए,
वो भी है, जैसे ही मैं फिर से शट डाउन कर रहा हूं अपडेट, पार्ट तो जाना चाहिए 5 सेकंड में, फ्रीक्वेंसी 5 सेकंड डाली है ना, 5 सेकंड के अंदर यहाँ पे अपडेट आ जानी चाहिए। मतलब ये जो जो भी मैंने कमांड अभी लगाई है यहाँ पे, ये कमांड क्यों लगाई है, देखने को छोटी सी कमांड है, क्या किया मैंने, एक SLA किया, उसमें SLA में एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट डाल दिया कि मुझे 10.0.0.2 से इको रिक्वेस्ट चाहिए 5 सेकंड के अंदर, ठीक है जी, टाइम आउट डाल दिया मैंने उसका। उसके बाद मैंने IPSLA शेड्यूल कर दी कि अभी से स्टार्ट हो जाए और फॉरएवर चलता रहे, ठीक है जी, बस ये कमांड बोली मैंने। लेकिन उसे ट्रैक करने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो ट्रैक करने के लिए मैंने एक ट्रैक टू RTR1 लगाया, ये RTR1 का मतलब है IPSLA1, ठीक है, वरना ऐसे आ जाता ट्रैक वन RTR1, मैं कहता तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, तो मैंने ट्रैक का वर्ड 2 यूज कर लिया वहां पर, ट्रैक टू राउटर 1 कर दिया, पता लगा पहले ये क्या है। सर आईपी रूट हमने 20.0.0.2 क्यों लिया वो ट्रैक वाली कमांड में, ये वाली, ये तो R1 कहां तक जा रहा है वही बता रहा हूं मैं अभी, इस रूट के थ्रू 20 तक जाने के लिए ठीक है पिंग लगा दी मैंने R1 के ऊपर, क्वेश्चन बिल्कुल सही है इसका, ये वाली कमांड में क्यों लगा रहा हूं यहां पे, ये वाली मेरे बिल्कुल यहाँ पे इस मतलब वाया 10.0.0.2 या अपने F0/0 के बाद मैं कहाँ जा रहा हूँ, सर 20 नेटवर्क में, तो मैं ट्रैक भी तो उसी पे लगाऊंगा, मान ले ये R1 है, ये राजेश्वर का घर है, मैं R1A2IT में बैठ के अपने पास यहाँ पे बैठ के कहीं पे भी बैठ के, चाहे मैं अपने घर पे बैठा हूँ, मैं एक कंपनी में बैठा हूँ, ठीक है, मैं इन्फोसिस कंपनी में बैठ गया, मैं टेक महिंद्रा कंपनी में बैठ गया, ठीक है, मैं कहीं पे भी बैठ गया, मुझे ट्रैकिंग तो यही लगानी है ना कि राजेश्वर के घर पर, जो रूट मेरा राजेश्वर घर जा रहा है अपने, उसको ट्रैक करना है मुझे, असल में अपना जो पैकेट वहां जा रहा है उसको ट्रैक कर रहा हूं, कहां कहां पहुंचा कैसे पहुंचा, बस बस ट्रैक कर लिया मैंने, ट्रैक से मुझे पता चल गया कि लिंक डाउन है, ट्रैक किया तो वहां जाके पता लगा उसको भी लिंक डाउन है यहां पे, हाँ बस, अगर मैंने ट्रैक नहीं लगाया होता तो मेरे शो IP रूट में जो यहाँ पे ये स्टैटिक रूट दिखा रहा है, ये तो पूरा बता रहा है कि चल रहा है, ये शो IP रूट से कुछ पता नहीं चलना था, अब इससे मुझे पता चल गया, और जैसे ही मैं फॉरएवर वाला लगाया हुआ कि लिंक मेरा अप हो जाए तो ये अप हो जाएगा थोड़ी देर में, 5 सेकंड के अंदर अपडेशन आ जाएगी, हम बस जो ये काम किया है वो मैंने ये करने के लिए किया है कि अगर स्विच के बाद आगे चल के कोई भी पैकेट मेरा डाउन होता है तो बस वो ट्रैक हो जाए। हाँ जी टॉपिक ये डन है, तो इसके बाद एक ही ट्रैक लिया है ताकि ये R2 साड़ा बंद हो जाए तो आपको नियुक्ति पता लगे। हाँ जी, अगर इसके साथ R1 बंद हो गया फिर तो पता लग ही जाएगा, रूट ही यहाँ से R1 बंद हो गया फिर तो इसको तो पता ही है हम R1 पे हैं, R2 पे बैठे हैं, अगर आप R2 से तो इधर भी लगानी पड़ेगी जी फिर शेड्यूल। सर एक ये आप कंफ्यूज ना हो जाओ, देखो नहीं ये मैंने गलती से ये लगा दिया था IP रूट, रुको, ट्रैक वर्ड जो यूज किया था ना मैंने, ट्रैक का जो नंबर है वो 1 से लेके 500 है, मैंने IPSLA के बाद जो नंबर लिया वो 1 लिया था ना, तो मुझे लगा कि आप 1 और 1 में कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये भी 1 है, 1 ही रहेगा हमेशा, ट्रैक का नंबर आप अलग और उसका नंबर आप अलग ले सकते हो, उसमें कंफ्यूजन ना हो जाए, ट्रैक 2 वर्ड यूज कर लिया मैंने, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा अजीब नहीं लगता ट्रैक 1 राउटर 1 ऐसे, तो ट्रैक वर्ड अलग चीज है। हाँ जी राजेश्वर कुछ पूछ रहे थे आप। सर मान लो मेरा FA0/0 बंद हो गया, हमने ट्रैक तो 20 के नेटवर्क के लिए लगाया है, मान लो मेरा FA0/0 बंद हो गया तो मैं कैसे ट्रैक करूंगा? नहीं मेरा एक मिनट, R1 ने यहां जाना है, सॉरी एक सेकंड, R1 ने यहां जाना है किसके थ्रू होके जाएगा वो? सर FA0/0 एग्जिट वाला। हाँ एग्जिट से होके जाएगा, तो वो पैकेट आगे कहां लगा हुआ है, तो मेरा रूट कहां पे दिया हुआ है यार, रूट तो मैंने यहां पे दिया है ना, ये तो आप सारे रूट पे भी लगा सकते हो शो IP रूट, मैंने रूट नहीं दिया हुआ है यहां पे 20 तक जाने के लिए, अगर मेरे पास 10 रूट होते मैं 10 के लिए लगा देता, समझे नहीं आप? आप यार यहां पे एक रूट और लगा दो, क्या टेंशन है,
20 के बाद मान लो एक रूट और लगा हुआ है यहाँ पे 3.3.3.3 तक, तो यहाँ पे आईपी रूट का एक रूट लगा दो और चलो कर दू 3.3.3.3.3.0.0.0.0 सॉरी नेटवर्क आईडी डालती है इसमें तो सबनेट मास्क, अब यहां पे दे दो क्या टेंशन है, एक सेकेंड ये लो क्या टेंशन है मेरे पास नेटवर्क की एक था तो मैंने एक नेटवर्क के लिए लगा दिया ट्रैक, हाँ तो हो सकते हैं ट्रैक कोई भी लगा सकते हो, नहीं ये ट्रैक अपन ट्रैक टू पहला यूज किया है, हाँ वो भी लगा सकते हो जाएगा, वो मतलब कि एक ट्रैक टू ही दोनों ने चेक लगा ठीक है जी, कई जगह पे आपको मिलेगा कि नहीं आपको ट्रैक भी बदलने पड़ते हैं क्योंकि रास्ता एक है ना यहाँ पे और ये इसका डायरेक्ट नेटवर्क ही है। हाँ जी अब पता चला राजेश्वर जी, जाना तो डेस्टिनेशन पे ही है, किसके थ्रू, F0/0 के थ्रू, अब ये थोड़े बताएंगे कि F0/0 के थ्रू मुझे सिर्फ अगले नेटवर्क पे जाना है, रूट तो शो करना पड़ेगा ना किस रूट से पता चले, तो कमांड मैं आपको ये भेज देता हूँ, ये पुराने वाली कमांड थी तो इसको तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, लॉज तो ये रिकॉर्डिंग में आ चुकी है आपकी कमांड, और कोई डाउट हो? नहीं सर ओके जी।